स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में किया गया जागरूक। जी हाँ, मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विद्यापति उच्च विद्यालय बिस्फी के छात्राओं को विकसित बिहार के साथ निश्चय योजनाओं में से एक योजना आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी गई, जहां बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जिला सहायक प्रबंधक रंजीत कुमार की एक टीम के द्वारा विद्यालय में पहुंचकर इस योजना के बारे में छात्र छात्राओं के बीच विस्तार से चर्चा की गई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राएं आर्थिक लाचारी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 4 लाख तक के शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी है, जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत ही आसानी से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। मौके पर कार्यपालक सहायक मुकेश कुमार, SW रविंद्र कुमार, रवि कुमार, विद्यालय के शिक्षक कुमोद यादव, मदन यादव, शंभू कुमार, नवीन कुमार, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद नफीस, पवन कुमार, मुकेश कुमार, अन्य शिक्षक मौजूद रहे। मधुबनी से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। स्कूल में रखा गया है ये, इसमें सात निश्चय योजना का नाम सुने होंगे। सात निश्चय योजना के अंतर्गत ही योजना है आर्थिक हलिवाओं का बल। आर्थिक हलिवाओं के बल के अंतर्गत ही 300 योजना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके तहत आपको बिहार सरकार 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण दे रही है छात्र छात्राओं को। और दूसरा योजना है कुशलिवा कार्यक्रम, इसमें 3 माह का कंप्यूटर का प्रशिक्षण, साथ ही साथ स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। एक और योजना है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के तहत आपको प्रशिक्षण प्लस 24,000 रुपये यानी 1000 करके तो 2 साल तक जो इंटर करके घर बैठा हुआ उन छात्र छात्राओं को गवर्नमेंट के स्तर से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आज आर्थिक हलिवाओं के बल के अंतर्गत संचालित इस तीन योजना के बारे में विशेष रूप से जानकारी के देने के उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी भी बहुत सारे छात्र छात्रा अभी छूटे हुए। तो हम लोग का प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्रा इस योजना से जुड़े और इसका लाभ उठे। लेकिन सरकार की तो 7 निश्चय योजना और भी सक्सेसफुल नहीं है, फिर ये कैसे? नहीं, देखिए 7 निश्चय सक्सेसफुल नहीं है ये कहना हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन उसी योजना के अंतर्गत ये भी है, लेकिन हम आपको जो ये आर्थिक अनुभव के बल के अंतर्गत जो योजना चल रहा है ये सक्सेस है, अच्छी तरह से सक्सेस है और सभी जगह सक्सेस है, लेकिन मधुबनी में थोड़ा सा इसमें जागरूक कम है विद्यार्थी इस योजना के लाभ के प्रति। तो हम लोग पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आप किस माध्यम से जागरूक कर रहे हैं जी? आप किस माध्यम से जागरूक कर रहे हैं? ये हम लोग बिहार सरकार के स्टाफ है, DRCC का जिला निबंधन परामर्श के तरफ से हम लोग आए हुए हैं और ये सब सरकार के माध्यम से हम लोग को निर्देश मिलता है, जितने भी छात्र छात्रा है उनको जानकारी दे। अभी आप बच्चों के बीच कुछ लोन वगैरह की भी बात कर रहे हैं? हम लोग अभी आर्थिक हलिवाओं के बल के अंतर संचालित इन योजना के बारे में छात्राओं को जानकारी देने के लिए है और इसका लाभ कैसे लिया जा सके इस संबंध में हम लोगों ने बताया है क्या क्या आवश्यक कागजात चाहिए, क्या पात्रता है इसके लिए, क्या प्रक्रिया है आवेदन देने का। तो इस संबंध में हम लोगों ने छात्राओं को जानकारी दी है और हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्रा जुटे इसका लाभ। मुआवजा वगैरह क्या है कुछ इसका जो है मुआवजा वगैरह भी दी जा रहा है? इसमें मुआवजा की अभी आप बता रहे थे ना कि 24,000 रुपए कुछ ऐसा 24,000 ये आपको ये किस स्टूडेंट के लिए? ये मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना है बिहार सरकार का, इसमें बिहार सरकार 3 माह का प्रशिक्षण के अलावा आपको 24,000 दे रही है यानी 2 साल तक 1000 करके आपको पैसा भी दे रही है। इसके पीछे सरकार का मेन मकसद है कि हमारे प्रदेश के जो भी छात्र छात्रा हैं वो अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण ले और जो घर बैठा हुआ इंटर करके पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ प्रशिक्षण ले करके नौकरी ढूंढे ताकि उसको अच्छा से अच्छा नौकरी मिल सके और वो आगे बढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ बिहार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड।